कैसे हैं आप लोग। आज हम साउथ एशिया के मुल्क में आए हैं। दोस्तों आप लोगों को जानकर हैरानगी होगी, इस मुल्क में हिंदुस्तानियों को वीज़े की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि दुनिया का सबसे हाईएस्ट माउंटेन यानी कि एवरेस्ट की चोटी इसी मुल्क में मौजूद है, जबकि बुद्ध मज़हब का आगाज भी इसी मुल्क से हुआ था। दुनिया का इकलौता हिंदू मज़हब का मुल्क है जहाँ गाय को ज़िबा करना गैरकानूनी है और इस पर आपको जेल भी होगी, जबकि इसे मंदिरों का घर कहना तो गलत ना होगा। ये मुल्क कभी भी किसी का गुलाम नहीं बना। इस मुल्क में तलाक की शर्रा ना होने के बराबर है। आज हम जिस मुल्क की बात कर रहे हैं, इससे ज़्यादातर सरहदें हिंदुस्तान से ही मिलती हैं। इसका नाम नेपाल है। जी हाँ दोस्तों, आज हम नेपाल का टूर करेंगे। इस मुल्क में मौजूद दुनिया का सबसे बुलंद पहाड़ के साथ बुद्ध मत का आगाज और बहुत से मंदिरात अपने आप में एक बहुत वसी तारीख रखते हैं। दोस्तों हो जाओ तैयार, क्योंकि आज हम नेपाल की तारीख, सकाफत, टूरिस्ट प्लेसेस, मंदिरात और माउंट एवरेस्ट और इन सब के अलावा और बहुत कुछ इस टूर में देखेंगे। तो हो जाओ दोस्तों तैयार बगैर वीजे के नेपाल के टूर पर। नेपाल, जिसे ऑफिशियल तौर पर वफाकी जमहूरिया नेपाल यानी कि डेमोक्रेसी ऑफ रिपब्लिक ऑफ नेपाल कहा जाता है, जो कि एशिया का एक खुश्की से घिरा हुआ मुल्क है। ये बुनियादी तौर पर हिमालय में वाक़ है, लेकिन इसमें हिंद गंगा के मैदानी हिस्से भी शामिल हैं। इसकी सरहद शुमाल में चाइना के तिब्बत खुद मुख्तियार इलाके और जुनूब मशरक और मगरब में भारत से मिलती है, जबकि ये सिलो गोरी कॉरिडोर के जरिए बांग्लादेश से और भारतीय रियासत सक्कम के जरिए भूटान से अलग है। नेपाल का मतनवा जोग्राफिया है, जिसमें जरखीज़े मैदानी इलाके, सिबला पाइन जंगलात वाली पहाड़ियाँ और दुनिया के 10 बुलंद तरीन पहाड़ों में से 8 बशमूल माउंट एवरेस्ट, जो ज़मीन का सबसे ऊँचे मुकाम है। कठमुंडा मुल्क का दारुलहकूमत और सबसे बड़ा शहर है। नेपाल एक कसीर उल नसर, कसीर लसानी, कसीर मजहबी और कसीर सकाफती रियासत है, जिसकी सरकारी जबान नेपाली है। नेपाल का नाम सबसे पहले बरसगीर पाक हिंद के वदीका दौर के मतन में दर्ज किया गया था। कदीम नेपाल में वो दौर जब हिंदू मजहब की बुनियाद रखी गई थी, जो मुल्क के सबसे बड़े मजहब था। पहली सदी कबल बीसी के वसत में बुद्ध मत के बानी गौतम बुद्ध जुनूब की नेपाल के इलाके लुम्बिनी में पैदा हुए। शुमाली नेपाल के कुछ हिस्से तिब्बत की सकाफत से जुड़े हुए थे। मरकजी तौर पर वाकया काठमांडू वादी हिंदू आर्यों के सकाफत से जुड़ी हुई है और नेपाल मंडाले के नाम से मशहूर न्यूरो कन्फेडरेसी की नशस्त थी। कदीम शायरा रेशम के हिमालय की शाख पर वादी के तजारों का गलबा था। कास्मोपोलिटन खित्ते ने अलग रवायती फन 18वीं सदी तक गोरख बादशाह और फन तामीर को फ़रोग दिया था। नेपाल का इतिहाद हासिल किया। शाह खानदान ने नेपाल के बादशाही कायम की और बाद में अपने राणा खानदान के वजीर आजम के तहत बरतानवी सल्तनत के साथ इतिहाद कायम किया था। ये मुल्क कभी नौ आबादियत नहीं था, लेकिन शाही चीन और बरतानवी हिंदुस्तान के दरमियान एक बफर रियासत के तौर पर काम करता रहता था। 1951 में मुतारफ कराई गई थी, लेकिन पार्लिमानी जमहूरियत 1960 और 2005 में दोबारा मुअत्तल कर नेपाली बादशाह ने 1990 और 2000 की दिहाई के अवायल में नेपाली खानी दिया। 2008 में सेकुलर जमहूरी के अक्याम अमल जंगी के नतीजे में आया, जिसके दुनिया के आखिरी हिंद बादशाह का खात्मा हुआ। 2015 में अपनाया गया कानून, जिसमें मुल्क को एक सेकुलर नेपाल का आयन, जो कि वफाकी पार्लिमानी जमहूरी के तौर पर 7 सूबों में तकसीम किया। 1955 में अक़वामे मुत्तहदा में दाखिल किया गया था। नेपाल को 1950 में भारत और 1960 में चाइना के साथ था और दोस्ती के माहदों पर भी दस्तखत किए हुए थे। नेपाल जनूबी एशियाई इलाके तावन की तंजीम सारक के मुस्तकबिल सेक्रेटरी की मेज़बानी करता है, जिसके वो बानी रुकन हैं। नेपाल व नावाबस्ता तहरीक और खलीज बंगाल इंस्टीट्यूट के भी रुकन हैं। नेपाली मुसल अफवाज जनूबी एशिया में 5वीं बड़ी अफवाज है और वो अपने गोरख तारीख के लिए काबिल जिक्र है, ख़ासतौर पर आलमी जंगों के दौरान और अक़वामे मुत्तहदा के अमन मिशन में एक अहम शराकत दार है। दोस्तों नेपाल दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें बुलंद पहाड़ यानी कि माउंट एवरेस्ट का घर जो कि इसमें मौजूद है, जो कि सतह समंदर से 8849 मीटर बुलंद है, जबकि एवरेस्ट की चोटी के अलावा यहां 8 से ज़्यादा बुलंद चोटियों वाले पहाड़ पूरी दुनिया में मशहूर हैं। नेपाल बुद्ध मज़हब की शुरुआत गाह भी है, इसीलिए यहाँ बुद्ध मत का आगाज भी हुआ था, क्योंकि गौतम बुद्ध की पैदाइश इसी मुल्क में हुई थी। नेपाल में 100 से ज़्यादा मुख्तलिफ कौमों की नस्लें रहती हैं, जिसमें 121 से ज़्यादा ज़ुबानें बोली जाती हैं। दुनिया की दूसरी कदीम आबादी सिटी काठमांडू है, जो कि तकरीबन दूसरी सदी से लेकर अब तक आबाद है।
दोस्तों इन सब के अलावा नेपाल की एक बहुत ही बड़ी तारीख जो कि पृथ्वी नारायण से लेकर नेपाल के नए आयन तक 2015 तक, ये भी जानेंगे आगे वीडियो में, तो वीडियो के साथ बंधे रहे। लेकिन अभी बात करते हैं नेपाल की इकोनॉमिक्स की। इसकी फीकस जीडीपी में नेपाल एक तरक्की पजीर मुल्क है जो कि दुनिया में 165वें नंबर पर है। नेपाल की मजमुई घरेलू पैदावार 2019 के मुताबिक $34 बिलियन से ज़्यादा थी। नेपाल दुनिया के सबसे तेज़ी से तरक्की करने वाले माशियतों में से एक है। 16 मिलियन से WTO का रुकन है। अप्रैल 2004 को बुनियादी 184वीं बड़ी इकोनॉमी थी। ज़्यादातर इकनॉमी मजदूर नेपाली लेबर फोर्स दुनिया के 37% और तैराती 14.6% और GDP का 27.59 सानवी शोबे और 8.1 बिलियन में 2018 शोबे और 57.81% बनते हैं। नेपाल की अमेरिकी डॉलर की गैर मुल्की ज़मरे मुबादला की तरसीलात जो कि दुनिया के फीसद में फीसद है, वो गैर हिंद 1928वें नंबर पर है और GDP का मंद मजदूर है। अहम ज़राई मशनूआत में अनाज, मकई, बाजरा, धान और गंदम है। तेल के बीजों में आलू, दालें, गन्ना, जूटा, तंबाकू, दूध और पानी, भैंस का गोश्त भी शामिल है। बड़ी सनतों में सियाहतें, कालीन, टेक्सटाइल, सिगरेटें, सीमेंट, ईंटों के साथ साथ छोटे चावल, जूट, चीनी और तेल के बीजों की भी बहुत बड़ी मकदार में एक्सपोर्ट की जाती है। जबकि 1951 में जमहूरियत के क्याम के साथ नेपाल की बैन अक्वामी तजारतों में बहुत ज़्यादा तवस्सी थी। लिबरलाइजेशन 1985 में शुरू हुई और 1990 के बाद तक नेपाल की गैर इसमें तेज़ी आई। माली साल 2016-17 में मुल्क की तजारत में 1 ट्रिलियन रुपये थी जो कि 1990-91 में 45 बिलियन थी से 23 गुना ज़्यादा है। नेपाल के 60% से ज़्यादा तजारत हिंदुस्तान के साथ है, यानी कि अगर हिंदुस्तान के साथ इसके ताल्लुकात बिगड़ते हैं नेपाल के, तो नेपाल बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। बड़ी बरामदात में रेडी मेड मलबूसात, कालीन, दालें, दस्तकारी, चमड़ा, दाऊ की जड़ी बूटियाँ और कागजी मसनूआत शामिल है जो कि कुल 90% है। बड़ी दरामदात में मुख्तलिफ तैयारशुदा और नीम तैयारशुदा सामान भी है जो इसमें खाम माल, मशीनरी और आलात, कीमियाई खादे, बरकी और इलेक्ट्रिक आलात, पेट्रोलियम मसनूआत, सोना और रेडीमेड भी शामिल है। 2019 में महंगाई 4.5% थी जबकि 2019 में अमेरिकन डॉलर 9.5 इम्पोर्ट के जखायर मौजूद थे जो कि 7.8 माह के दरामदात के बराबर थे। नेपाल सियाहत के भी बहुत बड़ी और तेज़ी से तरक्की करने वाली सनतों में से एक है जिसमें 10 लाख से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलता है और कुल GDP का 7.9% हिस्सा डालता है। 2018 में पहली बार बैन अक्वामी ज़ायरीन की तादाद 10 लाख से तजावज़ कर गई थी। जनूबी एशिया में सियाहों में नेपाल का हिस्सा तकरीबन 6% है और वो उसातन बहुत कम खर्च करते हैं। नेपाल की आमदनी का 1.7% हिस्सा इन्हीं पर मुश्तमिल है जबकि प्रीमियम मुकामात में पोखरा, अन्नपूर्णा, ट्रैकिंग सर्किट और यूनेस्को के 4 आलमी सकाफती वर्षों के मुकामात लम्बिनी, सागरमाथा नेशनल पार्क, माउंट एवरेस्ट का घर यानी खुटमुंडो वादी के 7 मुकामात को मजमुई तौर पर एक के तौर पर दर्ज किया गया है और चितवान नेशनल पार्क भी शामिल है। नेपाल के कोही पेमाई के ज़्यादातर कमाई माउंट एवरेस्ट से ही होती है जो नेपाली तरफ से ज़्यादा काबिल रसाई है। नेपाल 1951 में मगरबी बाशिंदों के लिए सरकारी तौर पर खोला गया था। 1960 और 1997 की दिहाई के दौरान हिप्पी ट्रेल के इख्तमाम पर एक मकबूल मुकाम बन गया। 1990 की दिहाई में खाना जंगी से मुतासर होने वाली ये इंडस्ट्री इसके बाद से बहाल हो गई लेकिन इसे तरक्की के चैलेंजों का सामना रहा है जिसकी वजह से आला दर्जे की सियाहत के लिए मनसूब सहूलियात की कमी है जिसे इंफ्रास्ट्रक्चर की रुकावट कहा जाता है। नेपाल एयरलाइंस को दरपेश बढ़ते हुए मिसाइल और मिट्टी भर मंजिल मुनासिब तरीके से तैयार और मार्केटिंग की गई है। जबकि दोस्तों नेपाल की इकोनॉमिक के अलावा यहाँ के कल्चर यानी कि यहाँ की सकाफत के बारे में बात करें तो रिवायती नेपाल माशरे की तारीफ बाद अवकात समाजी दर्जेबंदी से की जाती है। नेपाली ज़ात पात का निज़ाम जनूबी एशिया में पाई जाने वाली समाजी सतहों और बहुत से समाजी पाबंदियों का अक्स है। समाजी तबकात की तारीफ 100 से ज़्यादा इंडोगेंस मुआरसी ग्रोहों के जरिए की जाती है जिन्हें अक्सर जाति यानी कि ज़ात कहा जाता है। नेपाल में अछूत को गैरकानूनी करार दिया और इसके बाद से दिगर इम्तियाजी कवानी और समाजी बहुबात के इकदाम नाफिज किए हैं। शहरी नेपाल में काम की जगह और तालीमी इदारों में ज़ात पात से मुतलक शनाख्त अपनी अहमियत खो चुकी है। नेपाली रवायत में ख़ानदानी इकतदार अहम है और नेपाल में अक्सर नस्लों पर मुश्तमिल पैदराना मुश्तरक ख़ानदान मामूल रहा है। हालांकि जौहरी ख़ानदान शहरी इलाकों में आम होते जा रहे हैं। नेपालों की एक बड़ी अक्सरियत इनकी रजामंदी के साथ या इसके बगैर उनकी शादी उनके वालदेन या ख़ानदान के दिगर बुजुर्गों ने तय की है।
शादी को जिंदगी भर के लिए समझा जाता है और तलाक की शरह इंतहाई कम है, जहाँ 1000 में से एक शादी का खात्मा तलाक पर होता है। बचपन की शादियां यहाँ आम हैं, ख़ास तौर पर देहाई इलाकों में बहुत सी खवातीन ने 18 साल से कम उम्र तक पहुँचने से पहले ही शादी कर देते हैं। बहुत से नेपाली त्यौहार भी हैं, असल में मजहबी हैं ये। सबसे मशहूर में शामिल देशन, तहाड़ा, तीजा, छठा, माघी, सकीला, होली, ईद उल फितर, क्रिसमस और नेपाली नया साल भी मनाते हैं, जो कि इनका एक अपना कैलेंडर होता है, उसमें ये अपना नया साल मनाते हैं। दोस्तों, इन सब के अलावा नेपाल में दुनिया की सबसे मुतनाज़ जगह भी मौजूद है, जिसके साथ दुनिया का सबसे खूबसूरत बीच इसी मुल्क में मौजूद है। नेपाल में वाइल्ड लाइफ भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक पाई जाती है, जो कि दुनिया में कहीं भी नहीं पाई जाती। इसमें बंगाल टाइगर, स्नो लेपरोडा और इनहरोसा इसी मुल्क में पाए जाते हैं। जबकि नेपाल हिंदुस्तान के 5 रियासतों से मिलता है, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम से मिलता है। नेपाल में हिंदुस्तानी करेंसी का भी इस्तेमाल आम किया जाता है। नेपाल का वीज़ा सिर्फ हिंदुस्तानियों को सफ़र के दौरान हासिल करना पड़ता है, उसके अलावा वीज़ों के लिए कोई ज़रूरत नहीं होती। जबकि नेपाल में बिजली की बंदिश की वजह से यहाँ 12 घंटे लोड शेडिंग होना एक आम सी बात है। जबकि इस मुल्क में ज़िंदगी की औसतन उम्र 59 ईयर्स है, यानी कि 60 साल से भी कम उम्र में लोग ये मौत में मुंह में चले जाते हैं। जबकि दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट मैन, यानी कि सबसे छोटे कद का आदमी 54.6 सेंटीमीटर बहादुर डंगी भी इसी मुल्क से है। जबकि इस मुल्क का रेलवे ट्रैक सिर्फ और सिर्फ 59 किलोमीटर है। जबकि दोस्तों, यहाँ के लोगों की इनकम $1 से भी कम है, इससे ज़्यादा आबादी गुर्बत के नीचे ज़िंदगी गुजार रही है। दोस्तों, अगर आप नेपाल जाना चाहते हैं तो हिंदुस्तानी और पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा की क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या वीज़ा दरकार है या नहीं, जानेंगे आगे इस वीडियो में। दोस्तों, नेपाल की तारीख की बात करें तो ये एक पुरसरार टिप्सटेरिटी है, जो सदियों से पचीदा तरीकों से बनी हुई है। ये एक कहानी है जिसे कदीम पत्थरों ने सुनाया है और हवाओं से सरगोशियों की। नेपाल का बुलंद चोटियाँ, नेपाल का सकाफती विरसा, जिंदा कुनतानिया का मुल्क और हर पत्थर और हर मंदिर के साथ एक विरासत की गवाही दे रहा है, जो कदीम ज़माने से ताल्लुक़ रखता है। नेपाल के बादशाह की सबसे पहले बादशाह, जो कि 18वीं सदी में अपने आप को लिए खुद तस्वीर बनाई थी, इसने बादशाह पृथ्वी नारायण शाह, जो कि नेपाल का इतिहाद बनकर बहादुर कारनामा किया था, जहाँ उसने मुतनावी सकाफतों और खितों का एक मजबूत कौम में मुतहद करके जदीद नेपाल की बुनियाद रखी थी। साथ ही 1768 में एंग्लो नेपाली जंग हुई, जिसमें वक्त में जब गोरख, जो अपनी हिम्मत और इस्तकामत के लिए मशहूर थे, तो ताकतवर बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ तारीखी लड़ाई में मसरूफ थे। ये तसादुम, जिसे एंग्लो नेपाली जंग का नाम दिया गया, सिर्फ एक झड़प नहीं थी, ये ख्वाहिशात और जंगजुओं की जंग थी। जैसे ही आप इस हंगामा के इस दौर के बाकियात में कदम रखेंगे, तो आपको बहादुरी और हिकमत अमली की कहानी में खींच लिया जाएगा। तारीख में सोगालियों का माहिदा नेपाली की कहानियों में एक ड्रामाई प्लाट का मोड़ रखता है। ये 1815 में हुआ, जब नेपालियों में बरतानवी असर को नज़रअंदाज करना मुश्किल था। इस मुहादे पर अंग्लो नेपाली जंग के बाद दस्तखत किए गए थे, और इसका मतलब ये था कि नेपाल को अपने कुछ कीमती इलाकों को सौंपना होगा। लिहाजा जब आप आज इस खत्े में घूमते हैं, तो याद रखें, इस माहे ने नेपाल की जदीद सरहदों की तश्ल में अहम किरदार अदा किया था। जबकि कोट कतले आम, जो कि महल की एक साजिश थी, जो सायादार महल का सहन फिजा में साजिशों की सरगोशियाँ और इकतदार की कशमकश की गूंज, कोट कतले आम नेपाली की तारीख का एक दिलखरेश वाक़ा है। यहाँ 1846 में सामने आया था, ये अजायम का एक ड्रामाई तसादुम था, जहाँ अजामाई खून रेजी से दो चार हुए और एक कौम को रास्ता हमेशा के लिए बदल गया। इन कदीम दीवारों में जो कहानियाँ अब भी गूंजती हैं, वो आपको हैरान कर सकती हैं। जबकि 1846 में, यानी कि 19वीं सदी की वसत में, वक्त के साथ पीछे हट चुका था, जब नेपाल का भी मलोकी आयन एक अहम कानूनी जाब्ता था, जिसने मुल्क को हिला कर रख दिया था। वज़ीर आज़म जंग बहादुर राणा की तरफ से तैयार करदा ये नेपाली के माशरे को जदीद बनाने की एक कोशिश थी। इसे जाब्ते ने सिर्फ कानून को नहीं छुआ, इसने तबकाती जात पात और मसावत पर बहस के जन्म दिया था, जो कि राणा हुकूमत कायम हुई, जो कि 1854 में पिछले दिनों नेपालियों की बुलंद व 12 चोटियों के साय में आपको दिलचस्प राणा हुकूमत का सामना करना पड़ा होगा। एक ऐसे दौर जब मुल्क की ताकत राणा के ख़ानदान के ज़रिए चली थी। ये शान शौकत, खुशहाली और तनाव का वक्त था, जब उन्होंने नेपाल की बादशाहत की तारीख पर अपना तसल्लुत जमाया हुआ था। इसे नेपाली की तारीख का एक बाब के तौर पर सोचिए, तो जहाँ महलात राजों से गूंजते हैं और माजी भी इनके हाल की तरह रोशन है।
1851 से 1864 के दौरान जब नेपाल के दिलदार सफारतकार जंग बहादुर राणा ने 1850 की दिहाई में विक्टोरियन इंग्लैंड का सफर किया और नेपाल का सफीर बन गया, जैसे कि पहले कोई नहीं था। इसका सफर मशरिक और मगरिब का इम्तजाज था, जहां रिवायत चाय और सफारतकारी ने सरहदों को नए सिरे से मुतय्यन किया। सकाफतों का एक दिलकश टकराव ये एक तारीखी फ़ियार है जो आपको माजी की रुकबत से महसूर कर देता है, जबकि बरतानिया के साथ इनकी दोस्ती भी हुई, जो कि हम एक ऐसे वक्त की बात कर रहे हैं जब नेपाल की सरहदें मजीद फैल गई थी और इसकी खुद मुख्तियारी को हर तरफ से खतरात का सामना था। फिर 1923 में मजबूत बरतानवी सल्तनत और नेपाल की बादशाही के दरमियान एक मुहायदा हुआ। बरतानिया के साथ दोस्ती के इस मुहायदे ने ना सिर्फ पुरअम ताल्लुकात कायम किए बल्कि नेपाल की सरहदों को भी महफूज बनाया और इसके मुनफरद सकाफत और विरसे की हिफाजत की। 1923 में राणा हुकूमत का तख्ता पलट गया। 20वीं सदी के वसत में ही राणा हुकूमत, जो एक सदी पुरानी अशरफियाँ थी, अपने ड्रामी अंजाम को पहुंची। ये किसी तारीखी थ्रिलर उसे एक सनसनी खेज बाप की तरह राणाओं ने आहनी मुट्ठी से हुकूमत की, लेकिन जमहूरियत के लिए अवाम की पार आखिरकार वादियों और पहाड़ियों से गूंज उठी। इस जलजिले की तब्दीलियों ने नेपाल की तारीख का रुख बदल दिया, इमकानात और वादों का एक नया दौर को जन्म दिया। आज भी आप मुतहरका गलियों और कहानियों में इन तब्दीलियों के वक्तों की बाजगश महसूस कर सकते हैं। जबकि 1951 और 1950 में नेपाल की तारीख एक हंगामा खेज वक्त की तरफ वापस जाना था, जब कौम एक दोबारे पर थी। 1960 में बादशाह महेंद्र का जमहूरी हुकूमत की तहलील एक अहम मोड़ था। उन्होंने जमहूरी हुकूमत को बरतरफ करके नई जमहूरियत को मुअस्सर तरीके से ख़त्म किया। ये एक अहम कदम था, ज़मीन के ज़रिए गूंज उठी, जिसने नेपाल को आने वाली दहाइयों तक एक मुख्तलिफ रास्ते पर गामजन कर दिया। 1960 में माउन व शोरिस यानी कि नेपाल के माजी के एक बाप की तस्वीर है, जो पहाड़ों परिंदों के गानों से ज़्यादा गूंजती थी। 1996 से 2006 तक ये एक दिहाई तवील माउनवाज सोच ने मुल्क को हिला कर रख दिया। ये समाजी और सियासी तब्दीली के लिए शदीद जदोजहद का वक्त था, जिसने नेपाल की तारीख का रुख बदल दिया। आने वाली आवाम की लचक इनके काबिल तस्खीर जज्बे का सबूत है। जबकि शाही कतलेआम महल के साय में हैरत अंगेज तौर पर शाही कतलेआम एक सर्द और पुरसरार वाकया था, जिसने नेपाल की बादशाहत के मरकज को हिला कर रख दिया। नारायण बेटी रॉयल पैलेस, जो कभी शाहीन रुगबत से भरे हुआ था, 2001 में एक अलमनाक कहानी का पेशमंजर बन गया। राजदारी में छुपे इस वाक्य ने बादशाह परिंदों और उनके ख़ानदान की जान ले ली, जिससे कौम सदमे में थी। जबकि वफाकी जमहूरी आइन का ऐलान हुआ, एक नए दौर की सुबह हुई। 2008 में हंगालिया की इस वादी में एक यादगार तब्दीली वाक़ हुई। नेपाल जो कभी बादशाह था, खुद को एक वफाकी जमहूरी करार देने लगा। इसने तारीखी लम्हे ने सदियों पुरानी शाही हुक्मरानी के खात्मे की निशानदेही की, जिसने अवाम के लिए हुक्मरानी की एक नए दौर का आगाज़ किया। आज नेपाल की सड़कें जमहूरियत की रौनक से गूंज रही हैं और आपको एक कौम के दोबारा जन्म लेने की नब्ज भी महसूस होगी। लेकिन ये ज़्यादा देर नहीं रहा। 2008 में एक दिल दहला देने वाली, ज़मीन को हिलाने वाले लम्हात में एक तारीख रकम हुई। 2015 का तबाहकुन जलजिला, जबकि एक संगीन बाब नेपाल की लचक को जाहिर करता है। महफूज रहने के लिए जानो कि क्या करना है। अगर ज़मीन दोबारा रक्स करती है तो खुली जगहें तलाश करें और एमरजेंसी किट का करीब रखें, लेकिन खौफजदा ना हो, क्योंकि नेपाल की रूह किसी भी जलजिले से ज़्यादा चमकती है, जो आपको याद दिलाती रहेगी कि यहाँ की खूबसूरती ना सिर्फ ज़मीन में है बल्कि इसके लोगों के दिलों में भी। पे नया आयन का 2015 में नफाज हुआ। नेपाल के तारीखी लम्हे जहां माजी और मुस्तकबिल आपस में टकराते रहे हैं, 2015 में एक नए आयन को अपनाया, एक अहम कदम था जिसने इस कदीम कौम को एक वफाकी जमहूरी आयन में बदल दिया। ये एक ऐसी तब्दीली है जो नेपाल के मतलूजा टेपस्टेरी में इत्तेहाद, इंसाफ और आज़ादी का वादा दिलाती है। जब आप इसे सरजमीन में घूमते हैं तो इसे नए आयन के रूह और इस लोगों के दिलों में सरायत कर जाती है। घूमना जाते हैं तो इसके वीज़े पॉलिसी भी बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है। खासकर पाकिस्तानी अगर इसे घूमना चाहते हैं तो एक बहुत ही सस्ती ट्रिप होगी। आप 15 दिन के लिए $25 और 30 दिन के लिए $40, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 15 दिन के लिए 9000 के करीब और 30 दिन के लिए 13000 से ज़्यादा होंगे। और इसकी करेंसी के बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है। पाकिस्तानी करेंसी मुकाबले में 1 रुपये और पाकिस्तानी 2 रुपये करेंसी है, जबकि हिंदुस्तानियों के लिए ये वीज़ा फ्री है। और यहाँ की बहुत ज़्यादा करेंसी महंगी नहीं है और यहाँ इतनी चीज़ें महंगी नहीं है, तो आप कुदरत के नज़ारों से भरा हुआ आपको मुल्क मिलेगा। तो आप अगर कभी नेपाल गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपसे मुलाकात होगी एक ऐसे ही नए मुल्क और नई डॉक्यूमेंट्रीज़ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।